हो गया। तो जॉन्डिस में जैसे ही वो आया, दो दिन के लिए घर पे आया, देखा कि इसका तो जॉन्डिस है, तो वो छुट्टी लेके उसको हमें वो आर्मी हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज करना पड़ा था फॉर 1.5 मंथ। उससे जैसे ही वहाँ से मतलब जॉन्डिस क्लियर हुआ, तो कमांडेंट ने स्ट्रेट में उसको कह दिया श्रीनगर जाने के लिए, एंड वो वहाँ सीधा वहाँ चला गया। हमें नहीं पता था कि कारगिल का मतलब अनुष्का कितना वो था। बाद में जब एक दो इसके फ्रेंड्स यहाँ से गए, उन्होंने पूछा कि आंटी अनुज के लिए कुछ भेजना है, इसने कुछ कैसेट्स वगैरह मंगवाई थी, तो मैंने उसको बोला बेटे उसने ये मंगवाई हैं चीज़ें, कहते आंटी वो तो वॉर में है। इसने हमें ये नहीं बताया था कि मुझे नहीं बताया था कि ये काम भी नहीं जा रहा। अनुज की अंगेजमेंट हो गई थी 1 साल पहले, एंड उसकी शादी थी 10 सितंबर। पूरी तैयारी हो गई, वो अपने ब्राइड ग्रूम की ड्रेस पहन के दिखा के गया यहाँ पर। जब वो वॉर जोन में भी थे, वो चिट्ठी में फोन पे ये बोलते थे कि मैं ठीक हूँ, यहाँ पे कोई कोई डेंजर नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपने फादर को वो सच बता, कैप्टन अनुज नायर की माँ आज भी बेटे का भावुक हो जाती है। लड़ाई भी शुरू हो चुकी थी, मुझे तो खैर इतना पता भी नहीं था कि ये कारगिल में है। मेरे से थोड़ा सा उसको था कि मेरी माँ परेशान होती है। 2 दिन पहले भी उसकी बात हुई थी, अपनी फैमिली से भी हुई थी, मेरी सिस्टर से भी हुई थी। उसने यही कहा था कि मम्मी को कहना मुझे फ़ोन नहीं करे और मैं एक सीरियस ऑपरेशन के लिए जा रहा हूँ। वो 3 बंकर डिस्ट्रॉय कर लिए थे, 4th बंकर पे लोगों ने कहा भी था कि थोड़ा सा रुक जाइए क्योंकि सनलाइट आ गई थी, 5:20 का टाइम था उसमें, तो उसके काफी लोग मर गए थे। ज्योति का, इट इज माय ऑनर टू वेलकम Thank you.